हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज में 4 to 20 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड सिग्नल ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल? 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल क्या होता है? व्हाई वी यूज़ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमीटर? हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमीटर क्यों यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल? ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम आशीष एंड यू आर वॉचिंग द टियरा टेक शो। सबसे पहले प्रोसेस प्लांट एंड इंडस्ट्रीज में क्या होता है वो समझते हैं। नंबर ऑफ सेंसर्स आर इंस्टॉल्ड इन अ प्रोसेस प्लांट्स लाइक टेम्परेचर सेंसर, फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर एक्सेट्रा विद इनबिल्ट डिस्प्ले एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन डिवाइसेस को फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इंडस्ट्री इज ऑल्सो इक्विप्ड विथ सेपरेट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम में PLC एंड DCS डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा कंट्रोल रूम में ट्रांसमिट किया जाता है विद हेल्प ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड सिग्नल, एंड बेस्ड ऑन द सिग्नल इंफॉर्मेशन कंट्रोलर और ऑपरेटर डिसाइड्स वॉट टू डू नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोग्राम फर्दर कमांड शूट किए जाते हैं, लाइक वॉल ओपन करना है या क्लोज करना है, पंप ऑन ऑफ करना है, मोटर ऑन ऑफ करना है, या फिर अलार्म एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है। कंट्रोलर कैन एक्सेप्ट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। जो PLC में कंट्रोलर होते हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सिग्नल और दूसरा होता है करंट सिग्नल। मोस्ट ऑफ द सेंसर्स गिव्स आउटपुट इन अ वोल्टेज फॉर्म लाइक 0 to 5 volts और 10 volts, बट हम वोल्टेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और उससे सिग्नल का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। एंड कंट्रोल रूम एंड फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में वो प्लेस्ड होते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल इन अ प्रोसेस प्लांट्स। अब चलिए ओवरऑल फंक्शन समझते हैं, ये कैसे होते हैं। हम सबसे पहले सेंसर का एनालॉग वोल्टेज आउटपुट जो है उसे 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स। देन वी ट्रांसमिट इट थ्रू अ केबल एट कंट्रोलर एंड अगेन करंट सिग्नल को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 250 ओम रेजिस्टर इन अक्रॉस दैट सिग्नल। वो इसलिए क्योंकि PLC के एनालॉग मॉड्यूल में जो ADC यूज़ किया जाता है वो सिर्फ वोल्टेज सिग्नल को ही प्रोसेस कर सकता है, इसलिए हमें उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, व्हाई नॉट 0 to 20 मिली एम्पियर और एनी अदर रेंज? उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टैंक है, उसमें गैस फिल किया हुआ है और उसकी कैपेसिटी 100 kg की है, एंड लोड सेंसर का जो कैलिब्रेशन है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है। 0 kg मीन्स 4 mA, 100 kg मीन्स 20 mA, एंड दिस डिवाइस इज कनेक्टेड विथ PLC। जब PLC में 4 mA करंट मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ 0 kg गैस है, और जब 12 mA करंट मिलने लगेगा तो इसका मतलब होगा कि 50 kg वहाँ गैस अवेलेबल है। सिमिलरली अगर 20 mA करंट मिलने लगेगा तो हम समझेंगे कि वहाँ 100 kg गैस अवेलेबल है। बट फ्रेंड्स, अगर ये वायर बीच में ब्रेक हो जाती है तो PLC में 0 mA सिग्नल मिलने लगेगा। इसके वजह से ऑपरेटर को समझ जाएगा कि सिग्नल में फॉल्ट है। बट फ्रेंड्स, अगर हम 0 kg के लिए 0 mA सिग्नल ही यूज़ करते तो ये डिसाइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता कि वायर ब्रेक हुआ है या सही में टैंक एम्प्टी हो गई है। ये एक सेकेंडरी रीज़न है, बट प्राइमरी रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करंट सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती थी वो कम से कम 3 mA करंट ऑपरेशन के लिए लेता था। इस वजह से डिज़ाइन इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि लोअर सिग्नल 4 mA ही हम रखेंगे। टू वायर करंट लूप कॉन्सेप्ट में 4 mA करंट जो है वो सर्किट को रन करने के लिए यूज होता है। दैट्स व्हाई डिजाइन इंजीनियर्स फाइनलाइज्ड द 4 mA फॉर अ लोअर एंड। अब हायर एंड 20 mA ही क्यों रखा, 25 mA या 50 mA क्यों नहीं रखा, वो भी अब देखते हैं। बिकॉज इन ओल्ड डेज एज पर डिजाइन इंजीनियर्स डेंजरस करंट थ्रेशोल्ड फॉर द हार्ट इज अबोव 30 mA। इस वजह से वो 30 mA से अबोव या उसके नियर बाय कोई करंट सिग्नल यूज नहीं कर सकते थे। एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू मेंटेन अ रेशियो ऑफ 1:5,
और इस वजह से 4 to 20 mA जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज होने लगा। और एक रीजन ये भी है कि 4 to 20 mA सिग्नल का वोल्टेज कन्वर्शन करना काफी इजी है। सिंपली 250 ओम का रेजिस्टर यूज करके आप 1 to 5 volts में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ 4 to 20 mA ओवर वोल्टेज सिग्नल। करंट सिग्नल में एक्सटर्नल नॉइज एंड इंटरफेरेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वोल्टेज सिग्नल में एक्सटर्नल नॉइज एंड इंटरफेरेंस से फर्क पड़ जाता है। करंट सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, वोल्टेज सिग्नल को नहीं कर सकते क्योंकि वोल्टेज सिग्नल में ड्रॉप हो जाता है। अप टू 1 किलोमीटर तक हम करंट सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक आप सिग्नल लेके जा सकते हैं। फॉल्ट डिटेक्शन काफी इजी होता है करंट सिग्नल में, और यहाँ पे कोई कॉस्टली डिवाइस भी आपको यूज नहीं करना पड़ता है। सिंपल सा मल्टीमीटर भी यूज करके आप करंट सिग्नल को टेस्ट कर सकते हैं। करंट सिग्नल को जनरली ट्रांसमिट करने के लिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, पैरेलल केबल यूज नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पैरेलल केबल में अगर हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से क्रॉस टॉक होने के चांसेस होते हैं। बट अगर ट्विस्टेड केबल हम यूज करते हैं तो उसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैंसल आउट हो जाती है और सिग्नल की प्योरिटी मेंटेन रहती है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 to 20 mA करंट सिग्नल। इन फ्यूचर हम इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज रेडी करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।